हेलो दोस्तों, कैसे आज? आज 16 जून है और संडे का दिन है। और यस बैंक जिस लेवल पे आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो करते होंगे तो उस लेवल पे आ गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊपर जाएगा 190 तक। ऐसा नहीं कि आज उस बात से मैं पीछे हूँ, उससे मैं थोड़ा अप भी लिया था और एक चांस बना भी था कि वो वहीं से बाउंस बैक करे, लेकिन उसके बाद और भी कुछ ख़राब न्यूज आ जाने के कारण वो वापस फॉल किया है। ये अब अपने बुक वैल्यू के 1 रुपीज़ पर मिल रहा है, 1 रुपीज़ ऑफ इसके बुक वैल्यू का मिल रहा है, तो ये आपको फ्री में समझिए लगभग मिल रहा है। और अब इससे ज़्यादा नीचे इसका जाना, अगर बाहर की एजेंसियों ने जो 70 रुपये 78 रुपये बोला है वो हो सकता है टच करें, लेकिन वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर वहाँ मिलता है तो बिलीव कीजिए आपको बल्क होकर के इसको बाइंग के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। मेरे अंदाज से 108 रुपये के आसपास इसको बहुत अच्छा बेस है, सपोर्ट है। तो आप 100 रुपीज़ का अभी अगर बेस मान लें तो ये अभी 100 रुपीज़ का बेस तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि सेंटीमेंट जरूर ख़राब है और इसमें सारे बड़े बड़े फंड हाउस जो हैं बाहर निकल चुके हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। हो सकता है ये उठने में टाइम ले ले, लेकिन ये एक मल्टी बैगर के रूप में आपको यहाँ से मिल सकता है। अब मल्टी बैगर हर समय खोजते हैं तो ये एक मल्टी बैगर के रूप में आपको दिख सकता है। यस बैंक के एक छोटे से यहाँ पे एक न्यूज़ पे था, आप उसको भी देख लीजिए। सिर्फ मेरे कहने से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसको जाइए पूरा पढ़िए और फिर देखिए क्या करना है। यहाँ पे मनी कंट्रोल में उसके पूरा एनालिसिस किया हुआ है और बताया है कि यस बैंक ये फॉलिंग नाइफ बट शुड यू कैच इट, क्या आपको ये गिरता हुआ चाकू को खरीदना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। अल्टीमेटली इनको पढ़ के पूरा पढ़ लीजिए इनको, लेकिन जो मुझे दिख रहा है ये आप इसके फाइनेंशियल को देखिए। नेट इंटरेस्ट इनकम मीन्स इनकम और एक्सपेंसेस को, जब उसके बैंक्स के क्या होते हैं इनकम जो होते हैं इंटरेस्ट पे जो भी लगाते हैं, जहाँ पे भी इनकम होते हैं इंटरेस्ट से, और जो खर्चे होते हैं जो जहाँ से उन्होंने बोरो किया हुआ जो खर्चे, तो उसको नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो प्रेडिक्शन किया हुआ 2021 तो इनको इस रूप से ग्रोथ दिखाया गया कि 9,800 फिर 10,000 11,000, उसके बाद नेट इंटरेस्ट प्री प्रोविजन प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन जो आता है और खर्चे करके और अदर एक्सपेंसेस करके इनके जो खर्चे होंगे उसको दिखा करने के बाद आता है 8,600 करोड़ और 8,200 करोड़। अब प्रोविजन ये कर रहे हैं, प्रोविजन भी कर दिए, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी बताया, रिटर्न ऑन एसेट बताया, बुक वैल्यू बताया, प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1x मिल रहा है, 113, 116, 120 के आसपास है। अगर ये आपको को बोलता है 70 जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, खुद डिसाइड करना चाहिए। अपने बुक वैल्यू से भी अगर आधे में मिल रहा है आपको तो क्या करना चाहिए। और ये बैंक है और कमिंग हिस्ट्री में जब सेंसेक्स की बात हो रही है कि कहाँ लाख पहुँचेगा या निफ्टी 15,000 पहुँचेगा 12,000 पहुँचेगा, तो जब वहाँ पे 15,000 पहुँचेगा तो जब ऐसे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे तो उस समय बैंक सेक्टर पीछे नहीं रह सकता। और बैंक में यही एक ऐसा है जो कि फॉल किया हुआ है, नीचे गिरा हुआ पड़ा हुआ है, इसके उठने के चांस बहुत सॉलिड है। तो मुझे एक अच्छा स्क्रिप्ट दिखता है लगता है, और मुझे लगता है कि टाइमिंग शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये नहीं तोड़ना चाहिए इसको, 100 का ले तोड़ता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अभी 114.65 रुपये पे क्लोजिंग दिया, 2.45 रुपये के साथ 14 तारीख का है ये। और वापस अगर देखें यहाँ पे तो 15 करोड़ में सेलिंग हुई है और उसमें 2 करोड़ की डिलीवरी भी हो रही है, 12% की डिलीवरी हो रही है, लेकिन जो करोड़ में है वो इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे तो पहले जो इसमें वॉल्यूम हुआ करता था वो 6 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ ऐसा हो रहा था, बट यहाँ से 135 के बाद जो सेल हुआ है ये 19 करोड़ के साथ सेल हुआ और 15 करोड़ के साथ सेल हुआ है, लेकिन यहीं पर डिलीवरी 4 करोड़ की उठी है और 2 करोड़ की उठी है डिलीवरी। तो 115 रुपये वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी नीचे ये आपको दिख रहा है, 100% ये वीकनेस है। लेकिन इसी वीकनेस में जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा उठ जाता है वहाँ खरीदने से फ़ायदा नहीं है। ऐसे स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू आपको खुद दिखाई यहाँ पे 100 रुपये 110 के आसपास है और वहीं आपको मिल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एक्यूमुलेशन के लिए। मेरे अंदाज से लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट आप इसको 2 साल के लिए होल्ड करें, यहाँ से आपको डबल होते हुए दिख सकता है। लोग अभी जो बोल रहे हैं ये और गिरेगा, अभी यहाँ पे भी आपको वार्निंग दिया गया कि कैचिंग नाइट को अल्टीमेटली इनका जो कंक्लूजन है अनलेस एक कंडीशन दिया है, दी जर्नी टू रिकवरी में बी लॉन्ग, लास्ट में पढ़ लीजिए, दी जर्नी टू रिकवरी में बी लॉन्ग ड्रोन विथ इंटरमीडिएट हिकी जब्स अनलेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिपोज
Faiths in the years bank reform story by giving in a capital at a decent valuation. Catching this falling knife should be avoided. यहाँ पे लिखा है catching this falling knife should be avoided. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो डरे हुए हैं इंसान हैं जिनको मुझे लगता है तो उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए. जिनकी वेल्थ है, जिनके पास वेल्थ है जो स्पेयर कर सकते हैं उनको यहाँ पे रखना चाहिए. जो स्पेयर कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उनको कल की कल चाहिए तो नहीं रखना चाहिए. अगर वो उन्होंने जो 78 का टारगेट दिया अगर वहाँ चला गया तब तो आप और ये परेशान हो जाएंगे. लेकिन आपको बुक वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 100 रुपये के निरेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे आपको मिल रहा है. आपको क्या करना है, खुद आपको सेंटिमेंट से डिसाइड करना चाहिए. अभी भी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था, अभी भी देखिए चेंज इन ओपनिंग टेस्ट नेगेटिव है, अच्छे खासे वॉल्यूम से इसको तोड़ा जा रहा है. अभी भी सेल क्वांटिटी 33 है, बाइंग क्वांटिटी कम है, अभी भी इसमें प्रेशर है, अभी भी इसमें कोई बाइंग नहीं दिख रही है. बहुत ज्यादा फॉल भी देखने को नहीं मिल रहा है. अब अगर हम इसके ऑप्शन चेन को जाके एक बार देख ले, पहले एक बार चार्ट को देख लेते हैं. चार्ट में देखेंगे तो ये इसका जो मंथली डेमा था 128 का था और ये इसने इसको तोड़ दिया है. चाहे तो एक चीज और ध्यान रखें, अगर किसी को अगर इसको बाइंग करना ही है लॉन्ग टर्म पर्पज से तो ये भी है कि अगर आप कोई अपने प्रीवियस डेमा से क्रॉस करता हुआ दिखे तो आप वहां पे भी 128 है तो अगर वो 130 क्रॉस करता है तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं. अगर आपको हाई रिस्क टेकर है तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं. अब इसने ये भी तोड़ा हुआ ब्रेक किया हुआ है और जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनको जो स्टैंड मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि 78.92 यहाँ पे देखिए ये बार बार यहाँ से अटेम्प्ट कर रहा था, इसको तोड़ नहीं पा रहा था, क्रॉस नहीं कर पा रहा था. ये एक बार यहाँ क्रॉस किया वापस यहाँ रुका, मीन्स इस लेवल पे बहुत दिन तक ये कम से कम यहाँ पे इस लेवल पे इसने 4/11/2010 से लेकर के और ये यहाँ पे 14 तक 4 साल यहाँ पे इसने निकाला था और उसके बाद यहाँ से क्रॉस करके वो ऊपर लिया था. तो सेम है, इसी सिचुएशन पे आके यहाँ पे वापस एक्यूमुलेशन करेगा. हो सकता है इसमें टाइम लगेगा लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो आप देखते हैं यहाँ से जब क्रॉस करता है तो कैसे ये यहाँ पे 372 और 400 क्रॉस किया था. तो यही स्पीड आपको मिलेगा, टाइम लग सकता है इसमें. अगर यहाँ पे 4 साल लगा था इसको क्रॉस करने में तो वापस इसको यहाँ से क्रॉस करने में 2 साल मिनिमम जरूर लगेगा. तो अगर कोई चाहते हैं कि कल परसों इनको बनना है तो एक स्पाइक आकर के ऊपर जाएगा, ये कोई गिरा हुआ एकदम कंटिन्यू गिरता भी नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हैं. लेकिन कोई 190 अभी नहीं चला जाएगा, एटलीस्ट आपको 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा. एक ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है मेरे अंदाज से, ये आपके पोर्टफोलियो में है और इसको सही टाइम है इसको यहाँ लेने का और 78 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए. मंथली पे भी देखा आपको आपको सारा ये लेवल तोड़ता हुआ और अभी भी अगर आप इसको वीकली बेसिस पे भी देखेंगे कि वीकली बेसिस पे भी अभी एक फॉल का ही पैटर्न है और देखिए वॉल्यूम के साथ क्या सेल ही आ रहा है, सब जगह वॉल्यूम में सेल है तो कहीं पे भी जो है बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है. और इसके RSI को भी देखें तो 30 पे है तो अभी भी ये डेली अगर इसको वीकली बेसिस पे तोड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी नीचे थोड़ा जा सकता है. ये जरूर है डेली बेसिस पे ये 25 का RSI दिखा रहा है. डेली बेसिस पे आप देखिए 25 दिखा रहा था, ये ऑलरेडी यहाँ तक जाता है, 18 तक तो जा ही सकता है तो और यहाँ से फॉल होना लाजमी है, फॉल होगा और लगता है कि ये 80-78 टच करेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चांसेस है RSI के अनुसार, सेंटीमेंट के अनुसार यहाँ पे फॉल हो सकता है. बहुत ज़्यादा फॉल अभी भी ओवर सोल्ड में, यहाँ ऐसा नहीं है 25 पे है तो मेरे अंदाज से अभी फॉल बाकी है इसमें, हो सकता है और यहाँ पे भी 22 तक जा सकता है, 30 तक है वीकली बेसिस पे. तो अभी थोड़ा फॉल का वेट कीजिए, थोड़ा फॉल हो सकता है इसमें लेकिन आप एग्जैक्ट इसको डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे कि किस लेवल पे ये जाके क्लोज होगा. इसलिए यहाँ से आप बुक वैल्यू, चूँकि आपको बहुत ज़्यादा कोई लॉस नहीं होगा, आपका बुक वैल्यू 116-115 के आसपास है, वहीं पे आपको मिल रहा है वन टाइम वो बुक वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा कुछ खोने को इसमें नहीं है. अगर इसके बाइंग सेंटीमेंट को भी येस बैंक में देखें तो आपको यहाँ 78% बाइंग सेंटीमेंट है और डिविडेंड पेड कंपनी है, डिलीवरी परसेंटेज इसका 18-17% दिख रहा है, एवरेज फेस वैल्यू 2 रुपया का है
तो वापस आप जो भी करें इसको ध्यान में रखते हुए करें। यस बैंक पे मेरी कोई आपसे एक बार वापस इसको डेरिवेटिव में भी चेक कर लेते हैं तो 114 पे खड़ा है, और 114 पे अगर देखें प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करें तो 110 पे अनवाइंडिंग हो रहा है और 100 रुपये पे एडिशन हो रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है विथ शॉर्ट की पोजिशन बन रही है। मीन्स 12 लाख से 100 पे शॉर्ट की पोजिशन बनी है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 69 लाख का है ये 100 रुपया, अभी इस तुरंत या इस एक्सपायरी में जून तक तोड़ने वाला है ये 100 को। यहां से जो दिख रहा है 100 को तोड़ेगा नहीं किसी भी हालत से। जो 110 को यहां पे इनफैक्ट 110 भी इसको थोड़ा तकलीफ दे है क्योंकि यहां से अनवाइंड पोजीशन बन रही है और यहां पे प्राइस एक्शन निगेटिव है, तो ये कहीं ना कहीं 110 को भी तोड़ने को अभी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स अभी दिख रहा है कि ये आपको 100 रुपया नहीं टूटता हुआ इस जून में दिखने वाला है आपको। ये जून तो मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएगा आपको 100 के बेस पे ही और ऊपर की ओर प्राइस एक्शन में चला जाएगा। दो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर कॉल की तरफ देखें तो 120 पे भी 23 लाख से शॉर्ट किया हुआ है, प्राइस एक्शन 80 पैसे का। और आईबी पे देखें यहाँ इधर अगर देखें एट द मनी 110 पे 97 की आईबी है और 96 से इक्वल है, ऊपर की ओर 109 151 है, 109 है, 91 है, 91 है, 120 है, तो इधर जाने के चांसेस कम वोलेटिलिटी इधर उसके कंपेरेटिव में ऊपर की ओर थोड़ा आपको हो सकता है ये दिखे, मतलब ऊपर ये एक रेंज में हो सकता है कि 110 से 120 130 के रेंज में आपको निकल जाए। लेकिन 100 अभी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे 70 लाख का जो सपोर्ट है यहाँ पे है और 120 पे 71 लाख का 130 पे है, तो ये कहीं ना कहीं 100 से 130 120 के रेंज में आपको यहाँ से एक्सपायरी करता हुआ आपको दिख जाएगा। दोनों पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा कि ये, लेकिन आपको एक बार वो 80 का जो लेवल है वो आपको दिखाने के चांसेस है, इसलिए दिखाने के चांसेस है कि वहाँ प्रीवियसली वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाया था यहाँ पे कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर के यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ, यहाँ इस रेंज से देखिए इस रेंज से पूरा सपोर्ट ले रहा था, एक बार इस यहाँ पे क्रॉस करके भी गया था 2012 में लेकिन वापस ही रिटर्न आया था ताकि निकाल बाद जो बड़े होंगे लोग उसको बाहर किया होगा और फिर यहाँ से जब इसने लिया था तो ऊपर गया था। दूसरा बात है कि इसमें एक पैटर्न भी है जो कि थोड़ा एक्यूमलेट करता है और लगभग थोड़ा वेस्ट टाइम करता है और उसके बाद ये फ्लो में जाता है, तो जब तक एक्यूमलेशन का सिग्नल नहीं आता है और ऊपर की ओर हायर हाई की ओर सिग्नल नहीं बनता है तब तक यहाँ पे अभी बाइंग भी निकलते हुए नहीं दिखेगी, हाइप जो होगा होगा बट बाइंग में भी ये सिग्नल अभी अभी नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म 2 साल पर्पस के लिए अगर किसी को एक्विजिशन करना है तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ये नहीं है। और जो इसमें नहीं बनाए हैं पोजीशन वो बहुत बड़ी पोजीशन भी इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो अगर ये तोड़ता है अपने ऊपर के लेवल को तोड़ता है, अगर 150 के आसपास तोड़ता है तो बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा इसमें 150, तो जो नहीं बने हुए हैं 150 के आसपास एक्वायर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर 78 पे मिलता 80 पे मिलता है मेरे अंदाज से बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट होगी और वापस ये कभी भी आपको 120 आ जाएगा तो एक दायरे में भी हो सकता है या 80 to 120 बहुत दिन तक निकाल देंगे। 80 से 120 का दायरा ये बहुत समय तक क्रॉस कर सकता, हो सकता नहीं करे, और लॉन्गर कर लें तो 80 to 150 का दायरा ये हो सकता है साल भर 6 महीना तक निकाल देंगे और उसके बाद फिर वो आपको ऊपर की ओर जाता हुआ देखिए। तो इस स्पेशल्स के साथ अगर लॉन्ग टर्म में क्यों होल्ड कर सकते हैं तो आपको होल्ड करना है। 80 से नीचे इसको जाने का चांसेस कम है क्योंकि वहाँ 4 साल उसने पोजीशन बना करके खड़ा किया था, तो उससे वहाँ पे मतलब की है कि बहुत लोग एक्वायर करके बैठे हुए हैं और वो अभी नहीं निकलेंगे, उस समय भी नहीं निकले थे और अभी भी नहीं निकलेंगे, उनकी पोजीशन होल्डिंग पे पड़ी रहेगी, इसलिए वहाँ पे बेस वही है जो निकलना था, जो उस पीरियड में अब गए थे वो निकल चुके हैं। तो यस बैंक पे एक छोटा सा व्यू था सिर्फ मेरा, कोई भी बाइंग और सेलिंग से मेरा ऑप्शन में नहीं है कि इसमें कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, आपको अपना व्यू खुद बनाना है, आपको अपना व्यू खुद रखना है, एनालिसिस कीजिए, खुद डिस्कस कीजिए क्योंकि फाइनेंशियली आपका जो हेपेटाइट है, रिस्क हेपेटाइट है, वो आपको हमसे ज़्यादा अच्छा मालूम है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़्यादा अच्छा मालूम है। वीडियो देखने के लिए बहुत